أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم हज़रात, जैसे कि आप जानते हैं एलामिया नंबर 413 आपके हाथ में है और आज उसका दूसरा आइटम तारीख इस्लाम की 534वीं नशिस्त जामे मस्जिद आलिया के कॉन्फ्रेंस हॉल में बाद नमाज असर 31 दिसंबर बरोज़ हफ्ता मुनक़िद हो रही है और कन्वीनर महफिल गुलाम यजदानी आपसे मुखातिब हैं। आज के हमारे मुखरिर हैं जनाब इकबाल अहमद इंजीनियर साहब, जो आपके जाने पहचाने हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक, ज़रा आहिस्ता बात कीजिए भाई, जैसे कि आप वाकिफ़ हैं, उन्होंने अब तक कई मरतबा हमें मुखातिब किया है और ये भी आप वाकिफ़ हैं कि उन्होंने हमेशा उन्वान से इंसाफ किया है। ये चंदा बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि मवाद इस तरह का कुछ होता है कि अखबारों में भी उसको काफ़ी अच्छी तरह से हाईलाइट किया जाता है, नुमाया किया जाता है। बहरहाल ये ईसाई मज़हब का एक मुक़दस हफ्ता समझा जाता है 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक, और उसके पस मंज़र में ये उन्वान बहुत अहमियत रखता है, ईसा अलैहिस्सलाम और मौजूदा ईसाइयत। मैंने इससे पहले भी आपसे कहा है कि हमारे मुखरिर साहिबीन हमेशा बहुत गहरी सोच के बाद उन्वान देते हैं, क्योंकि उन्वान मुंतखब करना उन्हीं के अख्तियार में होता है और हम उसमें कुछ दखल नहीं देते। तो उन्होंने इतना अच्छा उन्वान दिया है, आज 31 दिसंबर है, कल 1 जनवरी है और आप खुद समझ सकते हैं कि उन्वान से किस कदर मुताबिकत रखता है आज का ये हफ्ता। मैं सिर्फ इतना कहते हुए कि पीर के दिन भी, यानी कल ही परसों, इसी वक्त इसी मुकाम पर इसी टाइम पर एक आलम दीन हाफिज मोहम्मद इसहाक़ कमाल खादरी साहब का खिताब बहुत अहमियत का हामिल है, क़ुरबानी और शहादत का इस्लामी तसव्वुर। उसमें भी आप ज़रूर शिरकत फरमाइए और कोशिश कीजिए कि नौजवान बच्चों को साथ लेते हुए आए, नौजवान तलबा को। और आखिर में 4 जनवरी को अरमगान हिजाज अल्लामा इकबाल का एक मजमू है, मजमू कलाम, उसका तज़ियाती मुतालिया माहिर इकबालियात जनाब मुस्तर मजाज साहब महफिल इकबाल शिनासी की 648वीं नशिस्त को मुखातिब करेंगे, चारशंबे के दिन भी ज़रूर तशरीफ लाए। मेरी गुजारिश, नहमदहु नसल्ली अला रसूलिल करीम व रब्बी शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। मोहतरम गुलाम यज़दानी साहब ने उन्वान की ताल्लुक से बहुत सही फरमाया। इस माह में इस उन्वान को देने का मकसद भी यही था
क्योंकि दुनिया की तकरीबन यूं कह लीजिए कि करीब करीब निस्फ आबादी इस वक्त अपने आप को क्रिश्चन कहती है और एक चौथाई आबादी मुसलमानों की है। इस एतबार से ईसा अलैहिस्सलाम की हैसियत इस्लामी नुक्ते नज़र से क्या है और आज की ईसाइत ने ईसा अलैहिस्सलाम को क्या बताया। तो पहले हम इस्लाम को ले लेंगे कि इस्लाम ने क्या कहा, उसके बाद उसी को बुनियाद बनाते हुए तजिया करेंगे, क्योंकि हमारा ईमान ये है कि अल्लाह ताला ने हर ज़माने में जब बिगाड़ पैदा हुआ नबियों को भेजा। नबियों का काम बिगाड़ से बनाव की तरफ लाना था, मज़ीद बिगाड़ना मकसद नहीं था नबियों का। 1,24,000 अंबिया आने की इत्तलात हैं, बताया गया है, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ किसी नबी की पैदाइश का दिन मनाने का कहीं हुक्म मिलता हो। अगर नबी की पैदाइश ही हुक्म इंतहा होती तो ज़रूर इसको किताबों में भी कहा जाता, बयान भी किया जाता और इस पर उनके ज़माने में भी अमल होता, उसके बाद जारी भी रहता। और ये भी अक़ल में नहीं आने वाली बात है कि 1,24,000 पैगंबरों के दिन अगर हमें बता दी जाएं, साल के जो 12 महीने हैं क्या ये काफ़ी होंगे उनका दिन मनाने के लिए? अगर कुछ फसल से मनाने के लिए हम कोशिश करें तो शायद सारी उम्र भी इंसान के लिए नाकाफी हो। असल मकसद नबी का मबूस फरमाना दरअसल हिदायत देना है इंसानों को जिसमें बिगाड़ आ गया। आजमाइश नबी की नहीं होती, नबी को आजमाइश से गुजारा जाता है कि बताने के लिए यह हिकमत अमली तुम इख्तियार करो अगर तुम ऐसे मसाइल से दो चार हो। नबी खुद भी बशर होते हैं, बशरी तकाजे उनके साथ होते हैं, वो इस जमन में जो काम करते हैं वो काम दरअसल हमारे लिए रहनुमाई का बायस होता है, तकलीद का बायस होता है। इस एतबार से आजमाइश उन इंसानों की है जो नबियों में से नहीं है, या उन इंसानों में है जिनको अशर मुबशरा कह दिया गया। तो सारे लोगों की आजमाइश है, और आजमाइश के लिए क्या जरूरी चीज होती है? नबी के तालीमात। अल्लाह की वहदानियत के लिए अल्लाह के मज़ाहिर कुदरती बहुत ज्यादा है, मगर अल्लाह की सिफात क्या हैं, अल्लाह क्या चाहता है, तुमसे क्या मुतालिबा करता है, तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजरनी चाहिए, उसके लिए एक रसूल का होना जरूरी है। और ये भी हकीकत है, तख्लीक आदम से लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने पैगंबर आए वो दुनिया के मदारिज को तय करते आए। हर नबी ने आखिरी नबी की बशारत दी कि उस वक्त बात तकमील को पहुंचेगी। किसी नबी ने यह कहा कि यही बात खत्म हो जाएगी, यही मामला खत्म हो जाए, किसी नबी ने नहीं कहा। हर नबी ने कहा कि तकमील तो आखिरी नबी की होगी। खुद क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है कि वो नबी आएंगे, जितने भी कुतुब ले लें आप मजाहिब के कुतुब जो ये कहते हैं कि उनके पास मजहब है, तो ये पेशीन गोई भी जरूर मिल जाएगी आपको कि आखिरी नबी आने वाले। अब इसके दरमियान, पहले और आखिरी के दरमियान जो मरहले हैं,
ये दरअसल अल्लाह की फितरत है कि किसी चीज को दर्जा बदर्जा बुलंद करता आए और दुनिया को एक शक्ल दे। अब आपको इख्तियार नहीं है कि अल्लाह को हुक्म दे कि अल्लाह ऐसा करना चाहिए था तो जैसा करना चाहिए था, आपको आपका इख्तियार नहीं है। वो पहले आना था, ये बाद में आना था, ये इख्तियार आपको नहीं है। जब आप अपनी हैसियत को जान ले तो बात समझ में आ जाएगी। इसीलिए कुरान ने जब जब दुनियाई उलूम ने तरक्की की है, जब उनको ये खब्द सवार हो गया कि अब हमसे ज्यादा इल्म नहीं जानता ये कोई दूसरा आदमी, या हमारी जो पहुंच है उससे ज्यादा किसी को नहीं होगी, आजमाइश भी अल्लाह ताला ने उन्हीं के उलूम में ली। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादू ज्यादा था, मोजज़ात पूरे जादू के बताए गए। अब ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तफसील में गए बगैर उनवान पे आने की कोशिश करता हूं मैं, ताकि टाइम भी कम है। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में मेडिकल साइंसेस ज्यादा थी, यहां मेडिकल के मोजज़े आए। तो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश खुद एक मोजज़ाना मेडिकल वाकया है कि बगैर बाप के पैदा हुए। इसी को न सिर्फ कुरान मानता है बल्कि ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जिसे आप बाइबल बाइबल कह लें, यह भी मानते हैं कि भी आपकी पैदाइश मौजज़ाती है, बगैर बाप के पैदा हुए। बगैर बाप के पैदा हुए, इस पे तो सबके इत्तेफाक है। मरियम अलैहिस्सलाम के किरदार पर शक करने का जवाब भी दे दिया गया। इससे पहले भी मैंने तस्करा किया था कि वही झूले से मूसा अलैहिस्सलाम ने बात की। मरियम अलैहिस्सलाम को बशारत दी गई थी कि अल्लाह ताला तुझे बेटा देने वाला है। जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ था जिसकी वजह से काफी गड़बड़ होती है वो है इस कालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबशरिकी बेकलमतिन मिनहु इस्मुहुल मसीह इब्नु मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा व मिनल मुखर्रबीन। ये आयत 45वीं आयत सूरह आले इमरान की। जब मलाइका ने मरियम से कहा अलैहिस्सलाम से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह युबशरिकी तुझे बशारत देता है बेकलिमतिन मिनहु उसके एक कलाम से, इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम जिसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम होगा, वजीहन फिद दुनिया वो दुनिया में भी बुजुर्ग बरतर होगा, वो आखिरत में भी, और आखिरत में क्या, मिनल मुखर्रबीन अल्लाह के मुखर्रब बंदों में से शामिल होगा। ये हमारा स्टेटस है। इसके आगे काफी बात की जा सकती है मगर हम यहां ठहर जाएंगे कि भाई ये बात है। और आपकी पैदाइश को कुरान करीम जब नाजिल हुआ था, जब ईसाइयत में जो मसाइल पैदा हुए थे, कुरान उसका खोल खोल कर जवाब देता है। जो माहौल उस वक्त था उसका खोल खोल कर जवाब देता है। कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए पढ़ने की किताब नहीं आई बल्कि सारे इंसानों के लिए किताब आई, और सारे मजाहब जो इस्लाम की बिगड़ी हुई शक्ल में मौजूद हैं उनको सुधारने के लिए किताब आई। वो सारे मसाइल उस वक्त दुनिया में मौजूद थे और आज दुनिया में मौजूद हैं, और कयामत तक जो दुनिया में मौजूद रहेंगे उसका हल अगर किसी कोई किताब देती है तो कुरान मजीद, इसके अलावा कोई किताब नहीं। तो इसका जो जवाब दिया अल्लाह ताला ने, क्योंकि ट्रिनिटी थी बाप बेटा रूह, उसका जवाब जो कुरान मजीद में कहा, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाह का मसल आदम, ईसा की पैदाइश ऐसी है जैसे आदम की पैदाइश,
خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون, ہم نے اس کو مٹی سے بنایا, کہا ہو جا, پس وہ ہو گیا. آدم علیہ السلام کے ماں باپ نہیں تھے وہ بڑا معجزہ, یا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی یہ بڑا معجزہ, کون سا بڑا معجزہ؟ لازمی بات ہے کہ ہر آدمی ذی عقل آدمی تو یہ کہے گا کہ آدم علیہ السلام کا معجزہ سب سے بڑا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہاں سے بڑا ہوگا؟ ہر ذی عقل آدمی کہے گا. یہ ہمارا اسٹینڈ, ہم مسلمان ہوتے اسے بنیاد بناتے ہیں, اس کو کسوٹی بناتے ہیں. اب اس کے بعد تفصیل سے جو بات آئے گی بات کریں گے, مگر ہماری کسوٹی ہے. اب اس کے بعد سے اب تک عیسائیت نے جو روپ بھرا ہے, مختلف روپوں میں عیسائیت سامنے آئی, اس کو ذرا دیکھ لیں. 325 تک تو خدا کون ہے اس پہ جھگڑا تھا. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ نے ان کو اٹھا لیا, ہمارا ایمان ہے جیسے معجزاتی پیدائش ویسے ہی معجزاتی اٹھا لیے گئے, اس میں کیا اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے, اٹھا لیے گئے, پھر آئیں گے پھر دوبارہ مریں گے, اس میں کس کو انکار. اللہ کے کاموں میں ہم کیا کریں گے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا اسلام اگر ہمارا اسٹینڈ یہ ہے ہم نے بتا دیا, مگر آپ بتائیے کہ آپ کا اسٹینڈ کیا ہے. 325 سال تک تو آپ اس پہ غور و فکر کرتے رہے کہ خدا کون ہے, آپ فیصلہ نہیں کر پائے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا خدا خود موجود ہے یا روح القدس خدا ہے, پتہ ہی نہیں چلا. ہر بار کہتے رہے کہ باپ خدا ہے, پھر کہے کہ بیٹا خدا ہے, پھر کہے کہ روح بھی خدا ہے. اس کی تفصیل کچھ یوں ہے, میں حوالے دیتا ہوں. پہلے تو سب سے پہلے میں عیسائیت کی ذرا تعریف کر دوں. آج کے زمانے میں 1960 میں جو عیسائیت کی تعریف ہو رہی ہے, اسلام سے جو گفتگو ہو رہی ہے, اس کے بعد تو تعریف بدلتی رہی ہے. آج جو عیسائیت کی تعریف ہے اس تعریف میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں پکڑ نہیں سکیں گے عیسائیت کو. انسائکلوپیڈیا آف برطانیہ کا جو ہے اس میں ایک سینٹنس ہے, واٹ از دا ڈیفینیشن آف عیسائیت, اس کا مقالہ عیسائیت پہ 693 اور جلد نمبر 5 پر جو لکھا ہے وہ یہ, وہ مذہب جو اپنی اصلیت کو ناصرہ کے باشندے یسوع کی طرف منسوب کرتا ہے اور اسے خدا کا منتخب مسیح مانتا ہے. اس میں ہم کو کیا اعتراض ہو سکتا, لگائیں ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, ان کو منتخب مسیح مانتے ہیں, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی, مگر یہ بات مان لیتے تو پھر قرآن کو ماننا پڑتا. اگر اسی پہ اڑ جاتے تو آپ قرآن سے کیسا جھگڑا کرتے, مسلمانوں سے کیسا جھگڑا کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ قرآن صحیح کتاب ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں, قرآن خود اس کی تائید کرتا ہے. میں نے بارہا یہ آیت آپ کے سامنے دہرائی ہے, جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اس قرآن کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی. اب انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن ایتھکس میں ان کے بڑے سائنسز ایلفرڈ ای گاروے نے اس کی مزید تفصیل کی, اجمالی تفصیل کو مفصل تفصیل بتایا, اور کہاں سے یہ الفاظ لائے کہیں پتہ نہیں, دلیل کیا نہیں معلوم, مگر انہوں نے تعریف کر دی. لازمی بات ہے کہ جب کوئی انسان کوئی چیز بولے اس کے شخصی خیالات ہوں تو بولے کہ میرے شخصی خیالات ہو سکتے ہیں, میرا علم ایسا کہتا ہے. مگر جب مذہب کی تعریف کرے, جب اجتماعی معاملہ سامنے آئے مذہب کی تعریف جب لوگ پوچھنے لگے تو آپ اس میں شخصی خیالات کا دخل نہیں دے سکتے, شخصی خیال کا دخل نہیں ہو سکتا, اس کو دلیل دینے پڑے گی. مذہب ہوتا ہے خدا کی تعریف میں, مذہب ہوتا ہے عقیدے میں,
मदद होता है इबादत में। ये तीन चीजें मजहब को मजहब बनाती। एक तो खुदा कौन है मालूम होना, उसके बाद खुदा के सिफात अकीदा मालूम होना, खुदा क्या चाहता है मालूम होना, तुम्हें किस मकसद से भेजा गया मालूम होना। जब इतनी सारी चीजें गई तो तुम इबादत कैसे करें उसकी, ये भी मालूम होना मजहब में। अगर ये तीन चीजें बुनियादी नहीं मालूम है तो फिर मजहब का है का, तो मजहब की तारीफ में नहीं आता। चाहे दुनिया का कोई मजहब ले लो आप, ये तीन ही बुनियादी नुकात उस मजहब के लिए देखे जाते हैं कि आया ये मजहब इंसानियत के लिए फायदा मंद है या इंसानियत के लिए आया है, या कोई शख्सी खियास है, गुमान है, ये बात पैदा हो जाती। आप अगर इस तारीफ को देखें जो 1960 में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में बताई गई सफे 521 में जिल्द नंबर 3 में, वो यूं कहता है ईसाइत की तारीफ इस तरह की जा सकती है कि ये वो अखलाकी, तारीखी, कायनाती, मोहिदाना और कफारे पर ईमान रखने वाला मजहब है। पांच चीजें आ गई आपको, अखलाकी, तारीखी, कायनाती, मोहिदाना और कफारा। पांच चीजें कहां से लाए नहीं मालूम अभी तक, दे आर फाइंडिंग आउट क्या कर रहे हैं नहीं मालूम, अभी नहीं मालूम हुआ। जिसमें खुदा और इंसान के ताल्लुक को खुदावंद यसु मसीह की शख्सियत और किरदार के जरिए पैदा पुख्ता कर दिया गया है। यहां भी इन्होंने मालूम है कि ऊपर इन्होंने गलती की है। यहां डिफिनेशन वकील साहब बैठे हैं, वर्ड्स को जो चुना गया है बड़ी एहतियात के सामने एतराज हो तो नीचे कुछ कहने के लिए मिल जाए। उन्होंने कहा खुदावंद यसु, खुदावंद यसु मसीह की शख्सियत, खुदा और शख्स को अलग, अगर कोई एतराज करे तो हम तो खुदा का बना, शख्सियत की बात कर रहे हैं, लॉजिकल अप्रोच, ये बात की गई। अखलाकी इस एतबार से इसकी सारी इबादतें जो हैं दुनिया के फायदे के लिए नहीं, ये तो आखिरत के फायदे के लिए। हालांकि ऐसा कोई भी ऐसा कोई पैगाम नबियों ने नहीं दिया, नबियों का तो यही पैगाम था कि दुनिया तो मेरी खेती है, आखिरत में इसको काटो। इन्होंने अपने मजहब को पारसा बनाने के लिए फायदे फायदे अगर दुनिया के हासिल करें तो शायद नुकसान हो जाए, लोगों को हम तवज्जो मुतवज्जे न कर सके। इन्होंने दुनिया से अपने आप को अलग कर लिया कि दुनिया के फायदे हमको इबादतों में नहीं चाहिए। ये स्टैंड किसी का नहीं है, ओल्ड टेस्टामेंट भी नहीं करती कहीं स्टैंड, ना सुलेमान अलैहिस्सलाम का स्टैंड है, ना दाऊद अलैहिस्सलाम का स्टैंड है, ना मूसा अलैहिस्सलाम का स्टैंड है। मूसा अलैहिस्सलाम को तो हुकूमत दी गई, इख्तदार दिया गया था। तो यहां एक कमजोरी है। तारीखी एतबार से एक एक तारीखी शख्सियत ईसा अलैहिस्सलाम के अतराफ घूमता है, उन्हीं से जो मुंसलिक बातें हैं उन्हीं को लेगा, दूसरों को छोड़ देगा। हमारी तारीख ये, ऐसी कोई बात मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब में नहीं कही। मूसा अलैहिस्सलाम खुद उनकी बाइबल में, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो मैं अपनी, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तो मूसा अलैहिस्सलाम की काम को पूरा करने आया हूं, वो जो बिगाड़ होगा उसको दुरुस्त करने आया हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी ये नहीं कहा कि मूसा के अलावा कोई दूसरी शरीयत लेके आया हूं मैं, ऐसा मूसा ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं कहा। तो ये तो तारीखी शख्सियत को ईसा अलैहिस्सलाम के अतराफ घुमाना, ये तो ओल्ड टेस्टामेंट के खिलाफ भी है, न्यू टेस्टामेंट के खिलाफ भी। सारे अंबिया का जिक्र है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, जिसको आज आप बाइबल कहते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट, उसमें सब तस्करा है, कभी किसी जगह दावा नहीं है। ये तारीफ इन्होंने कहां से ला ली? कायनाती निजाम, यानी कायनाती भी है, यानी ये रंग व नस्ल से मुबर्रा हर इंसान के लिए आया है। ऐसी कोई बात भी कुरान मजीद में नहीं है। कुरान मजीद में तो यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ भेजा गया,
और ये कहकर भेजा गया कि तुम्हारे पास जो किताब है मैं उसकी तस्दीक करता हूं। उसके बाद ये कहा कि मैं आने वाले नबी जिनका नाम अहमद है उनकी गवाही देने, बशारत देने के लिए आया हूं। तो फिर ये कायनाती कैसे हो गए? खुद उनकी किताबों में नहीं है, उनकी किताब में खुद है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अक्सर और बेशतर ये कहा कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम का काम जो है जो बिगाड़ हो गया उसको बनाने के लिए आया और मैं बनी इसराइल की तरफ भेजा गया हूं। दूसरी अकवाम जो बाजू थी वो जब इनसे मसला पूछने आती तो उनको ये खरा जवाब देते थे, मुझे तुम्हारे पास नहीं भेजा गया, मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं है, मुझे तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरफ भेजा है। ये बाइबल कह रही है। तो फिर ये कहां से आया, ये तारीफ कहां से इन्होंने ली? और मुआहिदाना यानी तौहीद, अल्लाह एक है कि यह गवाही देता है। अल्लाह एक है कि जब गवाही देता है तो अल्लाह एक है तो किसको इतराज है? किसी को इतराज नहीं, हम भी अल्लाह एक है। मगर वही गवाही देते रुक जाता तो बड़ी बात थी, बड़ी अच्छी बात थी। क्या झगड़ा था मुसलमानों में ईसाइयों में? कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह अगर एक है, अगर आप भी कहते हैं हम भी कहते हैं, तआला इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कोई झगड़ा नहीं, कतई कोई झगड़ा नहीं हमारे तुम्हारे दरमियान। मगर बात यहीं पर नहीं रुकी, अकीदे तसरीस आया। अकीदे तसरीस की तफसील बहुत है, मैं आपके लिए चार जो है अकीदे तसरीस के नमूने उन्हीं की किताबों में उन्हीं से पेश कर रहा हूं। मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं है, मेरा एक लफ्ज का इजाफा नहीं है इसमें। वही इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में ट्रिनिटी के उन्वान से जिल्द नंबर 22 सफे नंबर 479 में जो तारीफ लिखी गई है ट्रिनिटी की वो है, खुदा बाप बेटे और रूहुल कुद्दस के मजमुए का नाम है। खुदा किसका नाम है? बाप बेटे और रूहुल कुद्दस के मजमुए का नाम है। अगर मजमुए का नाम मैं ले लूं, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो खुदा 1/3, बेटा 1/3, रूहुल कुद्दस 1/3, अगर मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक का वजूद एक हो, अलग अलग हो फिर एक हो, ये मुमकिन नहीं उनकी बात। इस पर खैर कभी तफसील से बात करेंगे। और नवी जावेद ये पादरी सोहेल हैं जो अरब में काम किया, उन्होंने उन्होंने कहा कि बाप बेटा कंवारी मरियम का मजमुआ खुदा है। यहां बात बदल गई, बाप बेटा और कंवारी मरियम। और आज भी आप देखते होंगे कि मरियम के लगे होते हैं। एक और एक आई बात, तीसरी एक तारीफ उसी में उसी पेज पर, हर एक बजाद खुद ये खुदा जैसे मजमुए खुदा। अब एक्चुअली आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, आई डोंट हैव मच वर्ड्स इन इंग्लिश टू एक्सप्लेन इट। हर एक खुदा, एक 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 जमा करे तो तीन होते। अब आप इक्वेशन बनाने, 1+1+1 इज इक्वल टू 1, इज इट पॉसिबल? 1+1+1 कैन बी 3 नॉट 1, इज नॉट द अर्थमेटिक यू आर टॉकिंग अबाउट, इज समथिंग यू आर टॉकिंग अबाउट, इज नॉट अंडरस्टूड बाय मी एंड एनीबडी एल्स। ये बात इन्होंने की। उसी में और एक तारीफ है, उनमें से हर एक खुदा जरूर है लेकिन मजमा खुदा से कम है। अब फिर आप मुझे समझाइए, 1+1+1 इज लेस देन 3, इक्वल टू 3 तो नहीं बोल रहे आप। वहां मुसलमानों से बात हुई तो आपने कहा कि समझाना बड़ा मुश्किल है, लेस देन 3 बोल दो एक पे आ जाएगा, लेस देन 3 बोलते एनीथिंग बिटवीन 3 एंड 1। अब आप अंदाजा लगा लो, ये बात उन्होंने की।
और कैथोलिक जो नजरिया है इनका, जो आम तौर पर अब चलता है, उन्होंने इसकी तारीफ जो की है वो भी उसी में है। उन्होंने कहा तसलीस के ईसाई नजरे को इन अल्फाज में अच्छी तरह ताबीर किया जा सकता है कि बाप खुदा है, बेटा खुदा है और रूहुल कुदस खुदा है, लेकिन ये मिलकर तीन खुदा नहीं है बल्कि ये एक ही खुदा है। आगे आपका कौन सा नंबर तीन, मैंने जो कहा था वन प्लस वन इज इक्वल टू थ्री नहीं वन, उसको इन्होंने मान लिया। अब उसके बाद बाज वक्त आदमी अपने मफादात के लिए जो कुछ करता है, बाज वक्त उससे हमदर्दियां भी पैदा हो जाती कि भाई ये क्या कह रहा है, अकल इसकी है या नहीं है, क्या है मसाला, तो बाज वक्त हमदर्दी भी हो जाती है ऐसे लोगों से कि भाई अल्लाह को तीन साबित करने की ऐसी कोशिशें करें जो उनके पास नहीं है। चंग ये तारीफ तो उन्होंने कर दी मगर वो मुतमईन नहीं है इस पे। आगे का सेंटेंस में पढ़ूंगा तो आपको पता चलेगा मुतमईन नहीं है वो इसे। वो कहते हैं इसलिए कि ईसाई नजरे के मुताबिक इन तीनों में से हर एक पर्सन यानी खनम का खुदा और आखा समझने पर हम मजबूर हैं। भाई हमारे पास कोई दलील नहीं है ऐसी कि वन प्लस वन प्लस वन को वन करने की हमारे पास कोई दलील नहीं है, मगर हम मजबूर हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई चाराकार नहीं है, कोई दलील हुज्जत नहीं है जो हम आपके सामने पेश करें, आप मान लीजिए बस। हम कह रहे हैं ना मान लीजिए हमारा मजहब है, हम तारीफ कर रहे हैं, मान लीजिए इसको। अगर तुम्हारा मजहब है तुम तारीफ करो तो फिर इसको कायनाती क्यों कहते हो, सारे इंसानों के लिए क्यों कहते हो, कह दो कि हमारा मजहब है नहीं मानते, ओके नो प्रॉब्लम। झगड़ा तो उस वक्त एक अखलाकी नमूना हो, कायनाती निजाम हो, एक मोहिदाना निजाम हो, अगर यह दावा है तो सबूत देना पड़ेगा। अगर यह दावा नहीं है हम ऐसा सोचते हैं, कई मजाहब सोचते हैं, सोच लीजिए हमें क्या पड़ी है किसी से, हमें कुछ करना नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि अगर ये खुदा मोहिदाना निजाम है तो आपको साबित करना पड़ेगा, मोहिदाना निजाम को तो आप साबित करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा समझने पे मजबूर हैं, कोई दलील हम नहीं दे सकते। और मजबूरी का सारा बोझ किस पर डाल दिया, उन्होंने डाल दिया कैथोलिक मजहब पर कि भाई हमको तो नहीं मालूम, ये इल्म जानने वाले ये बड़ा अच्छा जानते होंगे, हमें तो नहीं मालूम। और कहा इसी तरह हमें कैथोलिक मजहब ने इस बात की भी ममानियत कर दी है, इस बात से ममानियत कर दिया है कैथोलिक मजहब ने कि हम उनको तीन खुदा या तीन आखा समझने लगे, दलील ना भी हो कुछ भी हो जाए समझने लगे, ये तुम्हारा काम है, इसके अलावा कोई छोड़चारा नहीं है तुम्हारे पास। समझ में ना आए भी तो करें, नहीं समझ में आए भी तो करें, आंख बंद करके अंधी तकलीद करें, जो कैथोलिक मजहब कहता है वो करें। यही सूरत हाल से मौजूदा ईसाइयत गुजर रही। ये खुदा कौन का तबसरा है, अब इसके लिए तो कभी मौका मिले तो बात करेंगे। इन्होंने काफी लंगड़ी बहस की है कि भाई तुम्हारे कुरान में भी मुतशाबेहात हैं, उनके माने नहीं मालूम, आप भी वैसी करते हैं, हम अगर ऐसा करें, अरे मुतशाबेहात अकायद में थोड़ी शामिल है। सबसे पहली बात अल्लाह की अकीदा मुतशाबेहात में थोड़ी, अल्लाह शुबे में थोड़ी है हमारे पास। हमारा तसव्वुर यह है कि खालिक कायनात मुकम्मल अकल रखने वाला हमारी महदूद अकल है, बहुत सारी बातें जो उसकी अपनी उसकी किबरियाई की हैं, अजमत की हैं, बहुत मुमकिन है कि हमारी समझ में ना आए, मगर हम कम इनकार करते हैं कि अल्लाह ने जो कहा वो गलत है। हमने कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह ने जो कहा गलत है, हमारी समझ में ना आती होंगी भाई, ये बंदे का तो यही तरीका होता है। किसी को नौकर रखें आप, मालिक क्या सारे वो राज दे देगा, उसको दे देगा सारे के सारे राज, उसके बाद मालिक की क्या जरूरत है, वो तो मालिक बन के घर में दाखिल हो जाएगा, आपको बाहर कर देगा। ऐसी बात तो नहीं, मुतशाबिहात की सेशन पे फिर कभी इंशाल्लाह बात करेंगे आएंगे। उसके बाद जो दूसरा है अकीदा, ये अकीदे चार अकीदे हैं इनके, अकीदे हुलूल तजस्सुम,
इनकारनेशन, अकीद मसलूबियत क्रूसिफिकेशन, अकीद हयात सानिया रिसरक्शन, अकीद कफारा रिडम्पशन। चार अकीदे हैं, अब पता नहीं कितना टाइम बाकी है, तो चार अकायद हैं। मैं इजमाली तौर पर आपसे कह के गुजर जाऊंगा, ये चार अकायद भी कभी किसी एतजार से, कोई दलील से ही अभी तक इन्होंने साफ नहीं किया। खुद इनके पाल ने कहा है कि अकीदे उलूल तजमजा उन्होंने सरी इनकार किया है कि भाई ये कैसे मुमकिन है अल्लाह जो है ना हमारे ईसा अलैहि सलाम में आ जाए, ये बहुत मुमकिन है, अल्लाह ने उनको अकल दी होगी, अखल से उन्होंने काम लिया होगा, अल्लाह ने हिफाजत की होगी, अल्लाह ने अपना कलाम दिया होगा। इंसानों के और अल्लाह के दरमियान, बाप और इंसानों के दरमियान अगर कोई चीज है तो खुदावंद है, मसीह है, तो पैगंबर का तस्करा है। उन पर अगर आती है कोई चीज रूह के जरिए, वो रूह खुदस है। अगर ये समझ में ना आके हर एक को खुदा बना दे तो ये तो उनके खुद जिसको वो फॉलो करते हैं उसने खुद इनकार किया। अकीदे मसलूबियत एक अलग सवाल है, इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। अकीदे कफ्फारा एक तीसरी चीज जो इबादत हैं, इबादत कहने से कि जमाली खाका सामने आ जाके मजहब क्या है। इबादत में सलीब का निशान, जैसे कि अब क्रिसमस हर जगह सलीब नजर आएगी, आप पहचान गया इनकी सलीब, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। इससे पहले भी मैंने कहा था, जब आदमी को किसी तरीके से मारा जाता है तो लोग उसको अंजाम को देखकर उसे मिसाल नहीं बनाते, उसको याद करें तो मारने वाले के ताल्लुक से कुछ अलग अल्फाज निकल जाते हैं हमारे, मगर उसी को निशान बना लें, जहां आपको नाकामी होगी उसी को निशान बना लें। यह बात समझ में नहीं आती। शायद इन्होंने, जैसा कि उलमाए कराम ने लिखा है, सलीब को इसलिए अहमियत दी कि अकीदे मसलूबियत जुड़ता है अकीदे कफ्फारा से, जिसमें आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह किया था, ऐसा गुनाह इतना अजीम था, उस गुनाह को यानी इंसानों से पाक करने के लिए सिवाय खुदा के कोई दूसरे के आने के इम्कान नहीं थे। इतना अजीम गुनाह जिसकी वजह से खून में गुनाह सराइयत कर गया है, उस खून को पाक करने के लिए, फिर रिश्ते तौहीद को जोड़ने के लिए अल्लाह को खुद को आकर कुर्बान होना पड़ा। वो इंसान जो आदम अलैहिस्सलाम से, ईसा अलैहिस्सलाम से, उनका क्या हलवा नहीं मालूम। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के इंसानों का अगर कुछ होता है तो होता होगा, मगर इस अकीदे से वो बेचारों का क्या कसूर है। ऐसे कई चीजें अकीदे कफ्फार। सलीब जो है दरअसल 3012 में शाह कस्तंतीन 325 में दरअसल ईसाई मजहब मुल्क का मजहब बना, 325 तक नहीं बना। ये जो है निकावी काउंसिल में जब फैसला लिया गया, मजहब की जब तारीफ की गई तो ट्रिनिटी वहां बनी। उस वक्त तक आज का जो ट्रिनिटी का जो मसला है वो मौजूद नहीं था, उसमें तो झगड़े हो रहे थे। अब ये जो बात शाह कुस्तंतीन ने 312 में काब देखा, जिसमें वो अपने मुखालिफ से लड़ रहे थे, उन्होंने सलीब का निशान आसमान में देखा। उसके बाद 326 में, यानी 14 साल बाद, उनकी वालिदा सेंट हेलेना को कहीं से एक छोटी सी सलीब मिल गई और उन्होंने कहा कि यह सलीब जो है ईसा अलैहिस्सलाम की वही सलीब है जिस पर चढ़ाया गया था। अब इसको इन्होंने मान लिया। आज भी 3 मई को यह सलीब मिलने का जश्न मनाते हैं। इसका कोई मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। आज आपको जो क्रिसमस नजर आ रही है, अभी इस पर भी किसी को इत्तेफाक नहीं कि 25 दिसंबर को ईसा अलैहि सलाम पैदा, इसको किसी को इत्तेफाक नहीं। 1 जनवरी नया साल शुरू जो शमसी महीने, उसके पीछे क्या माइथोलॉजी है या कोई एस्ट्रोलॉजी है यह भी नहीं मालूम। न्यू ईयर कैसा शुरू हुआ, किस बुनियाद पर शुरू हुआ, पैदा हुए अगर 25 को पैदा हुए तो मेरा मामूली सवाल, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। जिस दिन पैदा हुए उसी महीने से शुरू होना चाहिए, वहां से महीने बनना चाहिए। हमारी हिजरत करें वहां से शुरू है, जब हिजरत हुई वहां से शुरू है, पैदा हुए शुरू वहीं से होना था।
25 दिसंबर का वजूद ही कहां था? फिर 25 दिसंबर कहां से आई? अगर पहला महीना वहीं से शुरू होता तो दिसंबर कहां से आती? अकली तौर पर आप किस तरह साबित करेंगे? तो फिर अगर इसका ताल्लुक आर क्या अपने एस्ट्रोलॉजी से है तो फिर इसको मैथोलॉजी में उत्मत मिलाइए, अगर मैथोलॉजी में है तो फिर एस्ट्रोलॉजी को अलग कीजिए। इस बुनियाद पे बात की जा सके। इबादत में तो आपने देखा होगा कि इनके पास हमदखानी है, जुबूर पढ़ते हैं, उमन जमा होते हैं, जुबूर को पढ़ते हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम को, न्यू टेस्टामेंट को बहुत कम ही पढ़ते हैं। जुबूर चूंकि गाने की शक्ल है, गाने हैं दाऊद अलैहिस्सलाम के, इस तरह का नगमा था अल्लाह की हम्द सना में, तो हम्द खानी उसमें दुआ करते हैं। जब एक दुआ खत्म हो गई तो घुटनों के बल बैठकर दुआ करते और इसमें यह मैंडेटरी बनाने की कोशिश की जाती है कि आदमी रोए अपने गुनाहों पे, तौबा करे, बड़ा अच्छा समझा जाता ये तरीकेकार है। दूसरी चीज ये है कि बैप्टिज्म यानी किसी को ईसाई बनाना है उसको नहलाते हैं, बैप्टिज्म का अपना एक तरीकेकार है, किस तरह उसको हौज में डाला जाता है, तेल लगाया जाता है, फिर उससे कहलवाया जाता है कि मैं तीन अटिनिटी पर यकीन रखता हूँ, मैं शैतान से इनकार करता हूँ, जब ये सारी चीज़ें बुलाई जाती हैं। और ये बैप्टिज्म ईशा रब्बानी यानी मतलब है कि डिनर, उनका सेक्रेड डिनर जो है वो एक तरीक़ेकार है कि सब मिल बैठ कर खाते हैं, उसको थैंक्स गिविंग कहिए आप उसको या कोई भी कीजिए, इस बात पर खाते हैं। तीन इबादतें इनसे मंसूब हैं, उसके अलावा भी छोटी छोटी इबादतें हैं जो करते हैं, मगर ज़्यादातर तीन पे इनका इत्तेफाक है। अब इसके बाद जो इसमें गड़बड़ हुई, मशरिकी कलीसा अलग बना, मगरबी कलीसा अलग बना, दोनों में तो इख्तलाफ हुआ, कुस्तुनतुनिया में एक चर्च बना, रोम का एक चर्च हुआ, इसका जो बड़ा था उसको बेतरेरिक बोलते हैं, इसका जो रोम में जो बना उसको पापाए रोम कहते हैं, इन दोनों में इख्तलाफ हुआ और आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एशिया से क्रिश्चियनों को बाहर करने का जो कसद करने का इरादा सहाबा कराम को दिया था, सुल्तान अहमद ने इसकी तकमील फरमाई। इस तरह से एशिया से इनका मरकज गायब हुआ, अब रोम में है, रोमन कैथोलिक। अब इनके मजालिम से तकरीबन 1483 में एक फिरका प्रोटेस्टेंट जिसका बानी जो मार्टिन लूथर है वो पैदा हुआ। अब प्रोटेस्टेंट कैथोलिक के दरमियान झगड़े हैं, उसके बाद एवांजेलिस्ट तहरीक निकली, उसके बाद भी कई मजाहब इनके दरमियान आते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि रुक गया है मामला, आते जा रहे हैं, कई तफसील है बहुत लंबी। तो मौजूदा ईसाइत इस वक्त जिस रास्ते पर जा रही है उसमें इभाम ही इभाम है, उन्हें बड़ा खतरा हो चला है कि हम जो है अब मौजूदा ईसाइत को बरकरार नहीं रख सकते क्योंकि जराए अबलाग आम हो चुके हैं। इसीलिए हंटिंगटन ने तहजीबी तसादुम का नजरिया दिया और सबसे बड़ा दुश्मन ईसाइत को अगर किसी को बताया है तो इस्लाम को बताया। तो मौजूदा ईसाइत किस बुनियादों पे खड़ी है आपको मालूम है, एक इजमाली खाका है। दिलचस्पी हो तो कभी इस मामले में बात करेंगे, इनफरादी तौर पर एक टॉपिक को लेकर गुफ्तगू करेंगे। इजमाली तौर पर यही बात है कि खुदा कौन है इसकी बात नहीं मालूम, अकायद क्या है इसका कहीं सर है ना पैर है, इबादत क्या है इबादत का कोई तसलसल हमको किताबों से नहीं मिलता, हमदकानी कहाँ गई कब की ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मिलता, हमको नहीं मिलता, ये सारी चीजें हैं। अब ये सारी चीजें होने के बाद हमारी क्या जिम्मेदारी, जबकि कैसे प्लेट पे है, बिल्कुल शीशे के प्लेट पे है इस वक्त, जरा आप ऐसा इसके तरफ ऐसा गुब्बारा भरा है जरा सा आप टोच मार दे फट जाएगा, ऐसे वक्त मुसलमानों का क्या काम। क्रिसमस के इस मौके पर, साले नौ के मौके पर बहसत इंसान बहसत मुसलमान, ये मेरी बड़ी ज्यादा जिम्मेदारी का, मैं ईसा अलैहि सलाम के तालु से खुश हूं, ईसाई कहां के, मेरा ईसा अलैहि सलाम के मेरे ईसा अलैहि सलाम के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, मेरे से ज्यादा किसका ताल्लुक होगा, हम क्यों अलग हट जाते हैं, ये उनकी उनकी ईद है क्यों,
जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मूसा अलैहि सलाम ने मैं करीब हूं मुहर्रम के रोजे के वक्त, इसलिए हम भी रोजा रखेंगे, दो रोजे रखेंगे, एक रोजा नहीं रखेंगे, उनकी उनकी जो है कॉपी नहीं करेंगे, नकल नहीं करेंगे। ईसा अलैहि सलाम तो हम नजदीक हैं। ऐसी सूरत में हमें सवालात करने की तो गुंजाइश होनी चाहिए ना, सवालात पूछने की तो गुंजाइश होनी चाहिए। हम उनसे पूछेंगे कर क्या रहे हो भाई तुम, ये तुमने कहां से ला रख, कहां से ले रखा है सारे बातें, ये क्रिसमस मना रहे हो, पैदाइश का दिन नहीं मालूम मना रहे हो, ईसा अलैहि सलाम ने क्या पैगाम दिया नहीं मना रहे, मना रहे हो, खुदा कौन है नहीं मालूम मना रहे हो, अकद तसलीस कह रहे हो साबित नहीं करते, पाल ने खुद इनकार किया जिसकी तुम पैरवी करते हो, अकीदे मसलूबियत को तुम साबित नहीं कर सकते अकली तौर पर ना जो अपने जो तारीखी तौर पर, अकीदे कफारा को भी तुम साबित नहीं कर सकते, ये सारे अकायद तुम्हारे पास हैं तो तुम कर क्यों रहे हो, क्या है कि ऐसे भी आज की दुनिया में यह अकलमंदी है कि आदमी जो कुछ करे वो बगैर समझे करे, किसे इंसान कहेंगे, नऊज़ बिल्ला। तो ऐसे मौकों पर जब ईदैन आती हैं दूसरे मजाहब की तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, चाहे ईसाई के हो हिंदू होंगे, ये ध्यान में रखिए, उनसे इस्तफादा कीजिए, ईदों उनके ईदों को मालूम कीजिए कि ईदों की इब्तदा कहां से हुई, ये काम तो हमें करना है ना, हम क्रिसमस में बजाय इसके कि हम भी चले, अक्सर बीस्तर आजकल मुसलमान घरों पे भी मैं देखा हूं कि वो लगे हुए हैं नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक स्टार, और घर में वालिदैन हैं नमाज को भी जा रहे हैं। अलग अलग लगाते होंगे ठीक है, अगर किरायादार लगाते हो ठीक है, मैं तो ऐसे मुस्लिम घर, मैं ऐसे मुस्लिम घर का हवाला दे रहा हूँ जो नाम नहीं लेना चाहता, मैं जब उनके घर का हवाला दे रहा हूँ, उन्होंने क्या करेंगे भाई, बच्चे जो है स्कूल को जाते हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो बच्चे स्कूल को जाएंगे ना, वो करेंगे, मैं घर में रोक रहा हूँ ये बताकर, नहीं तो स्कूल को जाएगा बच्चा। अब देखिए भाई ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना, तो आप अपनी नस्ल को जो तैयार कर रहे हैं आप खुद तैयार नहीं है पूछने के लिए, तो भाई इस खौफ से निकलना पड़ेगा। जब तक आप इस खौफ से नहीं निकलेंगे, हम अपने आप को मुसलमान नहीं समझेंगे, हम ये जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, दावत की जिम्मेदारी हमारी है, हर लम्हे को दावत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश अगर हम नहीं करेंगे तो यकीन जाने कि हम मधु बन जाएंगे, लोग हमको दावत देंगे। आजकल वही हो रहा है, कोई भी इंसानों की ईद हो आप मालूम कीजिए कि क्या है ईद की, ईद के पीछे क्या है, कोई भी आदमी इस्लाम के खिलाफ बोले तो इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल रहा, वो इंसानों के खिलाफ बोल रहा है, हम इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, हमारे खिलाफ बोल रहा है, ऐसी बात नहीं, कोई भी इल्जाम लगे इंसान इस्लाम के खिलाफ नहीं, इंसानियत के खिलाफ लग रहा है। अगर ये बुनियादी तौर पर हमारे दिल में बैठ जाए, हम ये समझने लगे कि बात ऐसी है, असल हकीकत यह है कि मैं अल्लाह की तरफ से नामजद करदा दाई हूं, मेरा काम अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया कुरैश को, कुरैश का माहौल आज के हिंदुस्तान का माहौल यकसा है, पहले तालीम जो दी गई कुरैश में जहां बुत परस्ती होती थी, आज हिंदुस्तान में हम डरते रहते हैं कि भाई उसका कुछ करने से, देखिए दाई की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली और इसकी इस्मत और इफ्फत की हिफाजत अल्लाह ने की। इससे पहले भी मैंने कहा था मुसलमान का हर काम अल्लाह के सामने पेश होगा, जो भी करता है। दावत का एक वाहिद काम ऐसा है जब तुम अमल करने निकलो अल्लाह साथ साथ होगा, अल्लाह गवाही देगा ये निकला है बंदा। अगर इसको जहन नशीन कर लें तो चाहे क्रिसमस आ जाए, थैंक्सगिविंग डे आ जाए, मे डे आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपके सामने इतना जखीरा पड़ा हुआ है, कुरान को इस नुक्ते नजर से समझिए। कुरान ने उस वक्त के माहौल में जो सारे खराबियां थी उसको खोल खोल कर बयान किया है। आज तो हम इस जमन में यह सोचने पे हैं कि भाई दूसरे मजहब का मुताला करना क्या जरूरी है, सवाल सबसे बड़ा। तो बताइए भाई अकीदे तस्सीस कहां से समझूंगा, मैं अकीदे तस्सीस का तस्करा है कुरान मजीद में कहां से समझूंगा,
किधर से समझाएंगे मुझे आप? आखिर कफारा का तस्करा मैं कहां से समझूंगा? हुलन मुजस्सम का तस्करा कहां से समझूंगा? बुतों की पूजा ऐसे होती है कहां से समझूंगा? जब दूसरे मजाहब का जब मुताला ना करूं मैं, फिर समझूंगा कैसे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दूसरी जगह भेजते को तो उन कौमों की जबान सीखने के लिए लोगों साहबा को कहा कि जबान सीखो, उनकी उनकी तहजीब को जानो, उनकी इस्तेलाओं को पहचानो। ये काम करने का है। यहां जितने बैठे लोग इस अपने अपने घर वालों को, अपने अपने रिश्तेदारों को ये बात पहुंचा दे, ये समझ के उठे कि हम बहसीत दाई जिंदा रहेंगे, बहसीत दाई हमारी मौत आए। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश की है, अब अल्लाह की मर्जी, अल्लाह इसे कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जिसमें आपका खिताब आ रहा है उसका अंदाजा आप सबको हुआ होगा, और मैंने पहले ही कहा था कि आज का ये हफ्ता जो है 25 दिसंबर तक 1 जनवरी, उसके लिहाज से उन्वान किस कदर अहम है आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि ये शायद ईसाई मज़हब का सबसे ज़्यादा मुक़दस हफ्ता समझा जाता है, क्रिसमस से जनवरी हुकुम तक। और वैसे मौके पर हमारे फाजिल मुखरिज साहब ने जो कुछ कहा उससे काफ़ी रोशनी पड़ती है मसाइल पर। हमें उसका अंदाज़ा है कि उन्होंने किस कदर तैयारी करके उन्वान से इंसाफ किया है। मैं फिर आपकी याद दहनी के लिए कहता हूँ कि हाफिज़ मोहम्मद इसाक़ कमाल खादरी साहब, जिन की पहली तकरीर से ये हमारे शरीयत इंफॉर्मेशन के लेक्चर्स का आगाज़ हुआ था, और अब जो है वो 426वीं नशिस्त है, यानी हर साल 45 नशिस्तें होती हैं, 426 से अब अंदाज़ा लगाइए 9वें या 10वें साल में आप वो मुखातिब करने वाले हैं। कुर्बानी और शहादत का इस्लामी तस्वुर पीर के दिन 2 जनवरी को, और फिर इसी तरीके से 14 जनवरी को अरमगान हिजाज तजियाती मुताल्या हमारे फाजिल मुखर्रर माहिर इकबालियात जनाब मुस्तर मजाज साहब का खिताब है, उसमें ज़रूर शिरकत फरमाइए, चारशंबे के दिन इसी जगह इसी मौके के ऊपर।